आज हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल जो होता है, हम किसी भी डेटा को समराइज, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए पिवट टेबल का यूज करते हैं, किसी भी तरह के डेटा। रिपोर्ट्स के अंदर में जब रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है? यस सर, पिवट टेबल। जी हाँ, जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, अब डेटा को समझिए। डेटा क्या है? डेटा है कि डेट नेम, किसी पर्टिकुलर डेट को कोई पर्सन किस सिटी में किस कोर्स को कितनी क्वांटिटी और किस एमआरपी पे और किस महीने के लिए परचेज किया हुआ है। ठीक है? यस सर। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट करके हम करते हैं पिवट टेबल और यहां पे ओके करते हैं। ओके करते एक नई शीट पे पिवट लग गई। ठीक है? यस सर। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए कि किस सिटी में कितने कोर्स गए हैं। सिंपल, तो हम यहां सिटी को यहां रखेंगे, कोर्स को यहां रखेंगे, सॉरी कोर्स नहीं, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को यहां रखेंगे, उठा रखेंगे। तो जब हम सिटी को यहां पे रखें, रो में रखें, तो क्या हुआ कि आपके रो वाइज डेटा आ। ठीक है? रो वाइज डेटा हो गया। यस और हमने क्वांटिटी को हमने वैल्यू में कर रखा ताकि इसका सम आ गया। तो हम यहां पता कर लिए कि दिल्ली का 782 टोटल आया। अब मैं यहां पे करता हूं नेम, नेम ने यहां पे सिटी सिटी डाल दिया, यहां पे टोटल सेल्स। इस तरह की चेंजिंग हम कर सकते हैं। और किसकी चेंज कर सकते हैं? तो ये जो आती जिजे जिजियन है, जिसका गुरुग्राम लिखना है मुझे, तो गुरु ग्राम चेंज कर सकते हैं। यस क्या चेंज नहीं कर सकते? तो ये जो नंबर है, इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? इस अच्छा। नंबर को चेंज चेंज नहीं कर सकता। नहीं, बाकी सब कुछ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा सर, सपोज ये जहां से हम लोगों ने डेटा उठाया है, अगर वहां पे एक हाँ, पर्टिकुलर वहां पे बंदा अगर जैसे चेंज होता दिल्ली है, का बढ़ वहां गया, तो पे यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी, वहां पे अगर चेंज ओ हुआ तो यस यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है? सर। ठीक है? यस सर। आगे बढ़े। यस यस अब इसको हम अगर मान लीजिए चार्ट में दर्शाना है, तो इंसर्ट में बहुत सारे चार्ट है। अब यहां चार्ट बना सकते हैं। जब चार्ट बना लेंगे तो चार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर डिजाइन टैब दिखेगा। इस पे जाएंगे तो इतने सारे चार्ट के डिजाइन है, जो डिजाइन पसंद हो आप ले लीजिए। ये बन गया आपकी रिपोर्ट। ठीक है? समझे यस सर? सर। जी। आगे बढ़े इसमें। अब मुझे मान यस लीजिए सर। कि दो चीजें मुझे चाहिए कि किस सिटी में किस कोर्स ने कितना किया है। सिंपल, तो इंसर्ट पिवट टेबल और यहां टेबल। ओके करेंगे तो न्यू शीट पे। लेकिन आप चाहते हैं कि न्यू शीट में ना, मेरे हिसाब से किसी पर्टिकुलर शीट पे हो, तो आप यहां पे क्लिक करके जिस सीट पे आपका करना चाहते हैं, जहां करना चाहते हैं वहां क्लिक कर दे। ओके, हो गया। अब मैं अच्छा। यहां यस सिटी को रख दिया रो में और कोर्स को रख दिया कॉलम, और फिर मुझे यहां क्वांटिटी का टोटल नहीं, एमआरपी का एवरेज चाहिए। तो यहां इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहां दिखेगा वैल्यू फिल सेटिंग। इस वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे, एवरेज को सिलेक्ट करके ओके करें, ये सारा एवरेज आ गया। अब यहां भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे हमने सिटी लिख दिया, यहां पे हमने कोर्स लिख दिया। ठीक है?
अब यहाँ देख रहे हैं आपको कि ये पॉइंट पॉइंट पॉइंट्स में आ रहा है। हालांकि इसको सेलेक्ट करके होम में जाके हम इसको डेसिमल्स हटा सकते हैं, या फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग अच्छा जहां पे हमने एवरेज सेलेक्ट किया था उसी में आपको दिखेगा नंबर फॉर्मेट, नंबर नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट। ठीक है, यस नंबर फॉर्मेट में आते हैं, और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम। कस्टम, और यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, ओके एंड ओके। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस फिर जो ब्लैंक ब्लैंक बीच में जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें सेल नहीं है, मतलब कि पुणे में एक्सिस का कोई सेल नहीं है, ना बीआई का है, ना डैशबोर्ड का। हाँ सीधे सेल किसका है? एमएस ऑफिस और एसक्यूएल। तो मैं चाहता हूँ बाकी ब्लैंक ब्लैंक ना दिखे, क्या दिखे? इसके जगह पे जीरो दिखे। बॉर्डर तो जीरो। पिवट, यहाँ किसी भी पे जाएंगे राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस पे, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जब आएंगे तो यहाँ दिखेगा फोर इंडक्टिव सेल, जहां पे हम यहाँ पे जीरो कर, जीरो करके जैसे ओके करेंगे, आप देखें यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ गया। जीरो आ जाएगा, समय ब्लैंक जगह पे उसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया। ठीक है, यस सर, विदाउट इसमें आगे बढ़ते अब इसमें बात आती है कि हमने कोर्स को कहाँ रखा है, कॉलन में रखा है। लेकिन कॉलम। कॉलन में उस फील्ड को हम तभी रखते हैं जब हमारा जो काउंट, जिसे आप देख पा रहे हैं कि ये 5-6 है क्या, सॉरी सर, ये 5-6 आइटम है ना इसके, इसके अंदर कोर्स के अंदर हाँ ये 5-6 आठ आइटम। आठ आइटम है, ठीक है ना? अगर यस आइटम सर। ज्यादा हो, आइटम मान लो 8 की जगह पर 80 हो, जो कि इतना कहाँ तक चला जाएगा, देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी ना सर। यस सर। तो आप, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप जो करें, जो भी करें, उसका ध्यान इस चीज का रखें आप। अच्छा, कोई भी चीज कोई भी हो चीज उसको लाइक हो कॉलम में कॉलम रखने में का, अगर वो रखने का, मतलब ज्यादा हो। जी, कॉलम में नहीं और रखना है सर, सर ज्यादा होगा तो उसको हम रखेंगे रो में, किसमें, अगर सेकेंडरी, कुछ रो इस तरह में से हो जाएगा, ठीक है ना? अब स्वैप भी कर सकते हैं, सीडी को नीचे कर दें, तो इस तरह से होगा। और ये जो प्लस माइनस का निशान देख रहे हैं ना, कोलैप्स एक्सप्लेन होता है, कोलैप्स हो गया एक्सपेंड, इस तरह से सब इकट्ठा करना है। तो एनालाइज में जाइए और यहाँ पे सबको इकट्ठा कर दीजिए, सब हटा दीजिए, सब इकट्ठा कर दीजिए, सब हटा दीजिए, ठीक है? लेकिन ये यस यूज हम कब करते हैं, जब कब करते हैं, जब हम ये जो रिपोर्ट जो भेजना होता है एज ए पिवट भेजते हैं। अच्छा, आज पीवर्ड भेजते हैं। अगर आपको पिवट में नहीं भेज रहे हैं, पिवट में आप नहीं भेज रहे हो, तो क्या होगा? तो फिर हम लोग को ये नहीं, एक्सपेंशन हटाना होगा। पिवट पे नहीं भेजते हो तो कई बार क्या होता है कि हम पिवट टेबल बनाते हैं, फिर डेटा को कॉपी करके एक जगह पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद फिर उसके ऊपर में हम कुछ और कैलकुलेशन करते हैं। जब हम पेस्ट करेंगे, जैसे हमने पेस्ट का जो वैल्यू कर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, अब पता चल रहा है कि सिटी कहाँ है, पता चल रहा है सर? सिटी ऊपर है, सबसे ऊपर। तो पता चला कौन सिटी है, कौन कोर्स है, सब गजपच हो गया ना सर? नहीं, हाँ वो नहीं, हाँ पूरा है ना, पूरा शफल अप हो शफल अप गया। हो गया। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा गजपच हो गया क्या? पूरा शफल अप हो गया सर। तो
तो हम चाहते हैं कि दोनों अलग अलग कॉलम में, तो इस केस में ऊपर डिजाइन टैब दिखेगा, इसी के अंदर आएगा रिपोर्ट लेआउट, इसमें टैबुलर फॉर्म दिखेगा, इसको क्लिक किए। अब देखिए ए कॉलम में आपका कोर्स हो गया, बी में आपका सिटी हो गया। सिटी हो गई। अब सबका यहाँ टोटल भी आया गया, सब टोटल इसको बोला जाता है, रखना रखिए, नहीं रखना है तो डिजाइन में ही यहीं पे दिखेगा ग्रांड सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कीजिए और यहां से हटा दीजिए, हट गया। यस लेकिन मैं सर। चाहता हूँ रिपीट हो जाए, क्योंकि ब्लैंक जगह में आगे चल के फिल्टर लगाने में दिक्कत होगा। रिपोर्ट लेआउट में ही रिपीट ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपको रिपीट हो जाएगा। यहीं पे मैं चाहता हूँ दोनों के बीच में ब्लैंक स्पेस कैप्चर हो जाए, तो इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, क्लिक हो आफ्टर जाएगा, ईच आइटम। ब्लैंक हो जाएगा। आप चाहते नहीं नहीं करना है तो यहाँ पे रिमूव, आपको रिपीट भी नहीं करना है तो डू नॉट रिपीट। मैं चाहता हूँ ये मर्ज हो जाए, क्या हो जाए, मर्ज, तो जनरली हम मर्ज भी नहीं कर सकते, तो मर्ज करने के लिए राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस, और फिर यहां से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज हो गया। अब यस बात करते सर। हैं सॉर्टिंग की, राइट क्लिक करके आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर, यस जैसे मैं चाहता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर सिटी ही देखना चाहता हूं, जैसे दिल्ली या पुणे देखना चाहता हूं, तो यहां से दिल्ली और पुणे को सिलेक्ट करके फिल्टर लगा देंगे, तो दिल्ली या पुणे दिखेगा। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉप 5 दिखे यहाँ पे मुझे, तो वैल्यू फिल्टर पे जाए और यहाँ पे आप टॉप 5 पर आ गए। तो टॉप 5 हर एक का दिखा दिया, सबका शो कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और कभी कभी हमें शॉर्ट नहीं यस करना, मूव करना, मैं चाहता हूँ एक्सेल सबसे टॉप पर आना चाहिए, तो एक्सेल पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर पे क्लिक करके इसको इस तरह से मूव करके टॉप पे डाल दें। आ गया सर, यस यस। क्लियर है। पिवट टेबल। नहीं, इसको मूव कर दिया यहां से ऊपर उठा के। अब बारी हाँ आती हाँ है वो कैलकुलेशन को चेंज करना, मतलब जो डिफॉल्ट कैलकुलेशंस है उसको हम कैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने नेम रखा और यहाँ पे क्वांटिटी रखा, यहाँ पे मैं एमआरपी रखता हूँ, तो एमआरपी का टोटल नहीं, एमआरपी का एवरेज चाहिए, तो हम यहाँ पे गए एमआरपी का एवरेज ले लिए, ये एवरेज आ गया। आ गया सर। जी और मैं यहाँ पे सर। काउंट रखना चाहता हूँ कितना बिल हुआ, तो हम नेम को उठा के इसमें रख सकते हो वापस, ताकि काउंट आ जाए, ठीक है ना। टोटल यस कोर्स सर। यस एवीजी रेट एंड टोटल बिल, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहां जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे बहुत सारे कैलकुलेशन है, आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसर, इसकी स्लाइसर्स की, तो हमने फिल्टर्स के लिए बताया कि यहां से फिल्टर्स लगा सकते हैं, बट आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपके सामने स्लाइसर भी है। मैं यहाँ इंसर्ट स्लाइसर्स, और मैंने बोला कि सिटी के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग और मंथ के अकॉर्डिंग स्लाइसर है। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको रखा, यहाँ पे हमने इसको रखा और यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे हमने दिल्ली सिलेक्ट किया, दिल्ली आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर, ठीक ठीक है। तो इसमें हमने जो दिल्ली सिलेक्ट किया तो पूरा रिपोर्ट दिल्ली के अकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, कई बार हमें एक ही डेटा पे कई सारे पिवट बनाने, जैसे मैं एक और पिवट यहां बनाना चाहता हूं जिसमें हम सेम चीज कोर्स वाइज दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इंसर्ट कीजिए यस सर। पिवट और यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाइए, सीट 2 पे, यहाँ पे सीट 3 पे नहीं, सीट 5 पे, यहाँ पे हमने कर्सर रख दिया, देन ओके। अब मैंने यहाँ पे सेम चीज कोर्स के साथ कर देता हूँ, क्वांटिटी MRP, ठीक है, MRP का एवरेज निकाल दिया, क्या निकाल दिया,
अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दिल्ली सेलेक्ट एवरेज। करते हैं, दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, तो ये सिर्फ पिवट चेंज होता है, ये वाला चेंज नहीं हो रहा। तो ये चेंज होगा क्योंकि हमने जो स्लाइसर लगाया था वो इस पिवट से लगाया था, इस पिवट से तो कोई लिंक है ही नहीं। तो इसके लिंक करने के लिए हम कहां जाएंगे, पिवट टेबल पे, यहां देखिए फिल्टर कनेक्शन लिख रहा है। यस फिल्टर सर। कनेक्शन में हम यहाँ जितने भी स्लाइसर सिटी कोर संबंध है यहाँ लिस्ट आ गया, तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके हम यहाँ दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, पुणे करते हैं, आ गया सर। यस अब डेट भी है हमारे, तो डेट के लिए इंसर्ट स्लाइसर में यहाँ पे टाइमलाइन होता है, क्या होता है टाइम। टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइमलाइन, और टाइमलाइन सिर्फ डेट पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है डेट पे। डेट ये आ पे गया डेट, आप यहाँ पे जून सेलेक्ट कर ले, जुलाई सेलेक्ट कर ले, ये आपका आएगा, समझे। और इसको भी यस। कनेक्ट करना पड़ेगा फिल्टर कनेक्शन, और इसको सेलेक्ट करके आप कर दीजिए कनेक्ट। कनेक्ट हो गया सर। जी सर। अब बात करते हैं चार्ज। चार्ज जरूरी नहीं कि पिवट पे ही इस्तेमाल होते हैं, हम चार्ट्स को कई और सीओ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट गए गए और मैंने यहां से चार्ट लिया, तो ये आओ देखिए इस पीवर्ड से मेरा चार्ट लिंक हो गया, ठीक है। हाँ देख हमारा कौन चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो है लाइन चार्ट बन जाए, ये वाला। तो राइट क्लिक यस किया, फॉर्मेट एक्सिस में गए और यहाँ पे राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ पे मैंने इसकी एवरेज एमआरपी को ले लिया यहाँ पे लाइन चार्ट, और इसको हमने दे दिया सेकेंडरी एक्सिस। अब सेकेंडरी एक्सिस क्या होता है, देखिए ये कितना है इसकी नाप हम इससे करते हैं ना, इस वाले एक्सिस से, इसको एक्सिस बोलते हैं। यस सर। यस सर, मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक एवरेज के लिए एक अलग से आ जाए दूसरी तरफ एक्सिस, तो आप देखेंगे कि ये देखिए आ गया एक्सिस, आ गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा एवरेज बहुत ज्यादा था और हमारी क्वांटिटी कम थी, जिस कारण से दोनों में तालमेल सही से नहीं बिठा रहा, ठीक है ना, यस सर। यस सर। इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। यस। तो ऐसे और भी बहुत सारे चार्ट्स पिवट पे बना सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि किस कोर्स में कितना कि हर मंथ की सेल की क्यूमुलेटिव देखना चाहता हूं। अब बात करते हैं कि पिवट के अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पे मंथ को रखा, और मंथ रखा जैन से लेके यहां पे दिसंबर तक आ गया, और हम यहाँ पे क्वांटिटी रखा। अब मैं क्यूमुलेटिव मतलब कि ये जनवरी महीना में 662 था, फरवरी महीना में 662 प्लस 995 हुआ, दोनों को जोड़ दिया। तो एक क्वांटिटी को मैं एक बार और रखता हूँ यहाँ, और यहाँ वैल्यू यहाँ दिख रहा, सम में वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे जहां से हम चेंज करते हैं, एवरेज काउंट करते हैं, उसी के बगल में सो वैल्यू एज दिखेगा, ठीक है, सो वैल्यू एज, यस यस ठीक है। जी सर। जी सर, और यहां पे नो कैलकुलेशन की जगह पे आपको दिखेगा रनिंग टोटल, क्या दिख रहा है, रनिंग रनिंग टोटल। आ गया। ओके सर, जी सर। जी सर, तो इस तरह से चीजें हम पिवट टेबल के साथ करते हैं। अब बात आती है कि पिवट टेबल से एग्जैक्ट हम बनाते क्या है, मतलब रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि पिवट को जब तक ओके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे कि एक रिपोर्ट कैसे बनता है। जैसे कि कोई भी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे एक डैशबोर्ड ही पिवट टेबल से बना हुआ है, देख रहे हैं आप, यस सर। तो ऐसा ही नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सिंपल सा रिपोर्ट हम आपके सामने